जनपद कासगंज के सहावर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुंवरपुर के गांव नौगांव में सड़क पर पानी भरा हुआ है। यहां कीचड़ से बजबजाती सड़कें राज्य के विकास की पोल खोल रही हैं। यहां की तस्वीर आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां लोगों का कहना है कि पानी के निकास के लिए कोई तालाब या पोखर आदि होने चाहिए, जो ग्राम में नहीं है, इसीलिए जल निकासी न होने के चलते गलियों में पानी भरा है। यहां लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। आज द दस्तक 24 चैनल की टीम ने पहुँच कर जायजा लिया। जी हाँ, मैं दस्तक 24 चैनल से राजेंद्र सिंह। आज हम जो है ये ग्राम पंचायत कुंवरपुर के गांव नौगमा पे यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ ग्रामवासियों की ये शिकायत है कि यहाँ जो है नाली जो है वो सारी चौक पड़ी हुई है, और पानी जो मेन मतलब सहावर से जो मेन सड़क जाती है इनके गांव के लिए, वहाँ पे जल भराव की स्थिति है। उस जल भराव की स्थिति के समय में यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा समय तक जमा रहेगा तो यहाँ बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। तो आइए हम ग्रामवासियों से बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामवासी हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम गोपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। ये जो आपके यहाँ ये जल भराव है, क्या क्या सिचुएशन है, इसके बारे में आपने किसी को अवगत कराया? हाँ, पहले कई बार शिकायत कर चुके हैं, डीएम साहब को भी दे चुके हैं। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कुछ नहीं दिया, कि ये लिख दिया कि विरोध में विरोध ही हो सकती है, जांच होगी। जबकि ये जो पंचायत है, जिलाधिकारी महोदय का ये जवाब था कि यहाँ जो है ये विरोधी हो सकते हैं। यहाँ विरोध का तो कोई ऐसा पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ जब लोग परेशान हैं नदी नालियों से पानी नहीं निकल रहा है, घरों के सामने पानी भरा रहता है। तो और हमारे साथ एक और महोदय हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? महावीर सिंह जी, आप जो ये जो नालियाँ ये बंद पड़ी हुई हैं और ये पानी सड़क पर भी भरा हुआ है, इस विषय में आपने किसी को बताया ना? हाँ बताया, 24 जनवरी को हम DM साहब के पास गए, उन्होंने कहा चलो टीम आएगी जांच करेगी गांव की, और सभी अधिकारी चला के उस सफाई कर्मचारी है उसके पीछे पड़ जाते हैं। देखिए सफाई कर्मचारी कितने कीचे निकालेगा यहाँ, कोई खरिंजा तो यहाँ बहुत दिन से नहीं है, 10 साल पहले का खरिंजा है पुराना, वो भी टंकियों से टूट गया है, टंकी की जब खुदाई चली तब से कोई देखने नहीं आया बेचारा। वो सफाई कर्मचारी क्या करे, एक एक नाली में 10-10 ट्राली कीच निकलेगी। यहाँ जो है ये जो सड़क बनी हुई है, ये सड़क जो है ये ऊंची है, यहाँ से ये ऊंची सड़क है, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है पानी निकल पाना बड़ा संभव नहीं है। तो यहाँ के जो जो ग्रामीण लोग हैं वो मतलब जो है प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से ये डिमांड करते हैं कि ये मांग रखते हैं कि यहाँ इस पंचायत से काम कराया जाए। यहाँ के प्रधान जी कौन है? नेत्रपाल सिंह को आपने एक बार अवगत कराया कि यहाँ यह पानी भरा हुआ है? बहुत बार कराया। उनने क्या जवाब दिया? ये कहा था वोट ही नहीं दिए तुम लोगों ने, तो हम क्या कराएं? देखिए यहाँ जो पब्लिक है वो इस बात से और मतलब परेशान है कि यहाँ पॉलिटिशियन या जनप्रतिनिधि कोई भी आता है तो वो इस चीज़ को लेकर कि मतलब वो है कि हमें यहाँ का वोट ही नहीं मिला तो कोई मतलब वो है सुनवाई करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहां लोगों से बातचीत करने पर बताया कि ग्रामीणों ने कई बार जिलाधिकारी को अवगत कराया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जिलाधिकारी ने टीम गठित कर जांच के आदेश कर दिए, जांच में लेखपाल, तहसीलदार आदि आए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ, और आज तक ना नाली निर्माण हुआ है ना ही पानी के निकास की व्यवस्था। जरूरी है यहाँ समस्या का निदान हो ताकि ग्रामीण सुकून की जिंदगी जी सके।